नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूरे देश में है लॉकडाउन, मिठाई की दुकानें भी बंद हैं और हमारा मीठा खाने का मन हो रहा है। तो घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से आज हम ये लड्डू बनाएंगे। झटपट से बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिया है हमने 1 कप बेसन, 1 कप सूजी, दोनों हमने इक्वल अमाउंट में लिए हैं। 1 कप ली है हमने चीनी, जितनी हमने सूजी ली है उसके बराबर चीनी ली है। यहाँ पर आप 1.5 कप तक चीनी का यूज कर सकते हैं। थोड़े से लिए हैं यहाँ पर मैंने बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। 2 हमने हरी इलायची ली थी, उनको क्रश कर लिया है। और 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने देसी घी। जी हाँ, इस रेसिपी में हमें देसी घी का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो भी हम मिठाई बनाते हैं अगर हम उसको देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। गैस पर रख दिया है हमने 1 पैन। जो भी आप बर्तन लें वो हैवी बॉटम पैन होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमने घी लिया है उसमें से हम आधा घी अभी डाल देते हैं और घी को गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले जो हमने बादाम लिए हैं इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बादाम हमने हल्के से फ्राई कर लिए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम डाल देंगे सूजी। सूजी को हमने पहले से ही छान लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को भूनेंगे, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। बराबर से हम इसको तले में से लेते हुए चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, सूजी को हमने भून लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। हमने इसको सिर्फ अभी 5 से 6 मिनट ही भूना है। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। सूजी में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं किया है। तो सूजी को हम 1 प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम पैन हमने दोबारा से ले लिया है, गैस की फ्लेम को हमने ऑफ नहीं किया था। जो हमारा बचा हुआ घी है वो भी हम पैन में डाल देते हैं। पैन गर्म है तो हम तुरंत ही इसमें डाल देंगे बेसन। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और बेसन को हम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। बराबर से हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो हमने घी पैन में डाला था वो बेसन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। गैस की फ्लेम हमने लो कर रखी है। जो भी हमें इस तरह से इसमें गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं उन्हें हम मैश कर लेंगे और बराबर से तले में से लेते हुए हम बेसन को पलटते रहेंगे। अच्छे से हमें भूनना है बेसन को, जिससे कि ये कच्चा ना रहे। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो लड्डुओं का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, और जब आप लड्डू खाएंगे तो जो बेसन है वो आपके दांतों में चिपकेगा। तो इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है कि बेसन को अच्छे से भूना जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे ही बेसन हल्का सा भुनना स्टार्ट होगा, इसकी गांठें भी ख़त्म हो गई हैं और आप देखेंगे कि दरदरा सा दिखाई देने लगा है। अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको भूना है। और बेसन भूनते समय आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको हैवी बॉटम पैन का ही यूज़ करना है। अगर आप लाइट वेट वाला पैन लेंगे तो जो बेसन है बहुत जल्दी से तले में जलने लगेगा और वो अच्छे से नहीं भुन पाएगा। तो जैसे ही बेसन में से हल्की सी खुशबू आने लगेगी, हम बीच में इस तरह से जगह बना के इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटी चम्मच में घी इसमें और ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको हम बराबर से चलाते हुए अभी और भूनेंगे। तो ये देखिए, बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इस बेसन को भी हम 1 प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस की फ्लेम अभी हमने ऑफ नहीं की है। सेम पैन ले लिया है हमने, तो इसमें हम डाल देते हैं अब 1 कप पानी। जितनी हमने चीनी ली है उतना हमने पानी लिया है, सेम बोल से लिया है। आप कटोरी ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चीनी। गैस की फ्लेम को हम हाई करते हुए चीनी को बराबर से चलाते हुए हम घुलने देंगे।
तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलने के बाद हम इसको 2 मिनट और कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो ये चाशनी है हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। हमें कोई इसकी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको बस थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है। चाशनी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो इस तरह से स्पैटुला को साइड से करते हुए हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शहद चिपकता है, ये जो चाशनी है इस तरह से चिपकने लगी है। तो गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी इलायची क्रश की हुई, साथ ही जो हमने सूजी भून के तैयार की है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। बेसन भी डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर ही दोनों चीज़ों को अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए सूजी और बेसन अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं चाशनी के साथ में। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से है। साथ ही जो हमने बादाम फ्राई करके तैयार किए थे उनको इस तरह से हमने कट कर लिया है, तो उनको भी हम ऐड कर देते हैं। थोड़े से बादाम हमने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इन लड्डुओं को बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इस लड्डू के मिक्सचर को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा हमें ये गाढ़ा दिखाई देने लगा है। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना है चलाते हुए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो बराबर से हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे इसी पैन में। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप सूजी और बेसन की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से है। स्टार्टिंग में हमें ये मिक्सचर काफ़ी लूज दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमें ड्राई दिखाई देने लगा है। पूरी तरह से हमें ये ठंडा कर लेना है चलाते हुए। इसकी जो गांठें हैं इस तरह से मैश करते हुए हम उनको ये देखिए एक जैसा कर लेंगे। देखिए हमने इस मिक्सचर को एक जैसा कर लिया है। जो भी इसमें गांठें हमें दिखाई दे रही थी इस तरह से हमने उनको मैश कर लिया है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आपको जिस साइज़ के लड्डू बनाने हैं तो उतना मिक्सचर हम लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों से हम उसको दबाएंगे और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे इस तरह से हल्का सा इसमें दबा देंगे। दोनों हाथों की हेल्प से हम इनको गोल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये लड्डू बनके तैयार है। इसको मैं प्लेट में रख के आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा ये लड्डू बना है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। लड्डू का साइज़ मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, आप थोड़ा बड़ा साइज़ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। जो हमने बादाम का टुकड़ा बचा लिया था उसको हम इस तरह से ऊपर लगा देंगे, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा। और दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से दबाते हुए हम ये लड्डू बना लेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने दूसरा लड्डू भी बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी सूजी और बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं। आसानी से बन जाते हैं। वीडियो को फॉलो करते हुए अगर आप ये लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।